नमस्कार, स्वागत है आपका टोटल न्यूज में। मैं हूं आपके साथ प्रीति नेगी। सीबीआई के दो बड़े अफसरों के बीच रिश्वत मामले में शुरू हुआ विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। जांच एजेंसी के पूर्व डायरेक्टर आलोक वर्मा और स्पेशल डायरेक्टर राकेश अस्थाना को छुट्टी पर भेजा तो जा चुका है, तो वही गुरुवार सुबह आलोक वर्मा के घर के बाहर से चार लोगों को हिरासत में लिया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वर्मा के घर पर तैनात सुरक्षा कर्मियों ने पहली बार इन्हें बुधवार रात देखा था। और क्या कुछ हुआ है, तो सीबीआई के अफसरों पर लगे आरोप में हो रही जांच अब चर्चा का विषय बन गई है। सीबीआई में चल रहा घमासान अब दफ्तरों से निकलकर सड़क पर आ गया है। बुधवार सुबह सीबीआई के डायरेक्टर छुट्टी पर गए आलोक वर्मा के घर के बाहर चार लोगों को पकड़ा गया है। हालांकि बाद में सामने आया कि ये आईबी के अफसर थे, लेकिन ऐसे में कई सवाल भी उठने लाजमी हैं। देखिए रिपोर्ट। सबसे बड़ी जांच एजेंसी में अफसरों पर लगे आरोपों ने सबको चौंका दिया, जिसके बाद एक के बाद एक खुलासे होते जा रहे हैं। वहीं इसी कड़ी में एक बार फिर जो कुछ हुआ वो आपको सवाल पूछने पर मजबूर कर देगा कि ये आखिर हो क्या रहा है। दरअसल इस मामले में गुरुवार को तब उथल पुथल मच गई जब छुट्टी पर भेजे गए सीबीआई के डायरेक्टर आलोक वर्मा के घर के बाहर से चार संदिग्ध लोगों को पकड़ा गया। जिन चार संदिग्धों को आलोक वर्मा के घर के बाहर से हिरासत में लिया गया, उनमें से दो इस सफेद रंग की ऑल्टो गाड़ी में आए थे। ये गाड़ी आलोक वर्मा के घर के पीछे वाली लेन में पार्क की गई थी। बताया जा रहा है कि चार में से दो संदिग्ध इसी गाड़ी में थे, और ये आपको मैं दिखाना चाहूंगा कि सामने आलोक वर्मा का ये घर है और ये घर की बैक साइड है, यानी कि एक गाड़ी जिस जो मेन रोड पर खड़ी हुई थी वहां से दो संदिग्ध हिरासत में लिए गए, तो वहीं घर के पीछे ये सफेद रंग की ऑल्टो गाड़ी खड़ी थी। दो संदिग्धों को यहाँ से हिरासत में लिया गया है। सुबह करीब 7 बजे चार संदिग्ध लोगों को सीबीआई डायरेक्टर आलोक वर्मा के घर पर खड़े सुरक्षा गार्ड ने पकड़ लिया। जब छानबीन की गई तो उनके पास से आईबी के आई कार्ड मिले। हालांकि दोपहर होते होते इन चारों को छोड़ दिया गया। जैसे ही खबर आई कि इन चारों के पास आईबी के कार्ड हैं, तो आलोक वर्मा की जासूसी होने की आवाज उठी। हालांकि गृह मंत्रालय के सूत्रों ने तुरंत इस दावे को खारिज कर दिया। गृह मंत्रालय के सूत्रों के हवाले से कहा गया कि आईबी की कुछ यूनिट दिल्ली के कुछ इलाकों में पेट्रोलिंग करती है। ये पेट्रोलिंग हाई सिक्योरिटी जोन में की जाती है। बता दें कि सुबह हंगामा कर रहे लोगों को सुरक्षा गार्ड पूछताछ के लिए घर में ले गए थे। सुरक्षा गार्ड के मुताबिक ये सभी आलोक वर्मा के घर के बाहर संदिग्ध गतिविधियां कर रहे थे। इन लोगों के पास से कई फोन भी बरामद किए गए थे। आपको बता दें कि सीबीआई में सामने आए घूसकांड के बाद सीबीसी की सिफारिश पर सरकार ने आलोक वर्मा और राकेश अस्थाना को कुछ समय के लिए छुट्टी पर भेज दिया है। आलोक वर्मा ने सरकार के इस फैसले पर सवाल उठाते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दायर की है, जिस पर शुक्रवार को सुनवाई होगी। गौरतलब है कि सीबीआई ने राकेश अस्थाना और कई अन्य के खिलाफ कथित रूप से मीट कारोबारी मोइन कुरैशी की जांच से जुड़े सतीश साना नाम के व्यक्ति से इस मामले को रफा दफा करने के लिए घूस लेने के आरोप में एफआईआर दर्ज की गई थी। इसके एक दिन बाद डीएसपी देवेंद्र कुमार को गिरफ्तार किया गया। इस गिरफ्तारी के बाद मंगलवार को सीबीआई ने अस्थाना पर उगाही और फर्जीवाड़े का मामला भी दर्ज किया। सीबीआई के निर्देशक आलोक वर्मा और विशेष निर्देशक राकेश अस्थाना के बीच छिड़ी इस जंग के बीच केंद्र ने सतर्कता आयोग की सिफारिश पर दोनों अधिकारियों को छुट्टी पर भेज दिया और ज्वाइंट डायरेक्टर नागेश्वर राव को सीबीआई का अंतरिम निदेशक बना दिया। चार्ज लेने के साथ ही नागेश्वर राव ने मामले से जुड़े 13 अन्य अधिकारियों का ट्रांसफर कर दिया। फिलहाल मामले की जांच जारी है। देखना होगा कि सबको न्याय दिलाने वाली विश्वसनीय एजेंसी क्या खुद के वजूद को न्याय दिला पाती है। स्पेशल डेस्क टोटल न्यूज। जब शहर सो रहा था तो दिल्ली के पावर कॉरिडोर्स में जबरदस्त गहमागहमी मची। उस स्तर पर हुई बैठकों के बाद भारत सरकार में अतिरिक्त सचिव लोकरंजन ने एक ऑर्डर जारी किया, जिसमें सीबीआई में ज्वाइंट डायरेक्टर के पद पर काम कर रहे एम नागेश्वर राव को तुरंत प्रभाव से एजेंसी के डायरेक्टर का कार्यभार संभालने का आदेश दिया गया, और यही से शुरू हुई सीबीआई में
उठापटक, मतलब सीबीआई में आधी रात सर्जिकल स्ट्राइक हुई। क्या हुआ था उस रात, कैसे लिया ये फैसला, देखिए इस रिपोर्ट में। आधी रात को ही क्यों जागी सरकार? जबरन छुट्टी पर भेजे गए सीबीआई डायरेक्टर आलोक वर्मा और स्पेशल डायरेक्टर जिस तरह एक दूसरे पर मिसाइल दाग रहे थे, उससे सबको लग रहा था कि पीएम नरेंद्र मोदी को कुछ फैसला लेना होगा। विपक्ष बार बार आरोप लगा रहा था कि राकेश अस्थाना पीएम मोदी के करीबी हैं। रात को चीफ विजिलेंस कमिश्नर केवी चौधरी ने मंगलवार को पीएम मोदी से सिफारिश की कि झगड़ा करने वाले दोनों अफसरों को छुट्टी पर भेज दिया जाए, इसलिए पीएम ने ऐसा कर दिया। चर्चा तो ये भी है कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल ने रात 1 बजे दोनों अफसरों को बुलाया और फैसले की जानकारी दी, लेकिन देर रात तक सरकार के अंदर बेचैनी भरी शांति थी। रात गहराई तो सीबीआई डायरेक्टर आलोक वर्मा ने एक तीर और चलाया, अस्थाना को सभी जिम्मेदारियों से मुक्त कर दिया। जेटली को करनी पड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस। दोपहर होते होते सीबीआई पर सरकार के एक्शन पर काफी धुआं फैल चुका था। सरकार की तरफ से कोई ऑफिशियल बयान नहीं आया था। कैबिनेट बैठक के फैसलों के बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस का ऐलान हुआ और बताया गया कि इसमें कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद के साथ वित्त मंत्री अरुण जेटली भी बैठेंगे। मतलब साफ हो गया कि सीबीआई पर पूछे गए सवालों के जवाब जेटली ही देंगे। जेटली से कई कड़े सवाल भी पूछे गए। आलोक वर्मा को क्यों छुट्टी पर भेजा गया? क्या राकेश अस्थाना को बचाने के लिए ये सब किया गया? क्या सरकार के पास ऐसा करने का अधिकार है? इस पर जेटली की दलील थी कि निष्पक्षता रखने और सीबीआई की साख को बचाने के लिए रात भर जागकर सरकार ने देश के खातिर ये फैसले किए हैं। सरकार को अब तो कुछ करना ही था। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दलील दी कि सुबह का इंतजार नहीं किया जा सकता था, रात को ही फैसला लेना पड़ा। रात को करीब 2 बजे कार्मिक सचिव बीएस शर्मा को जगाया गया और सीबीआई डायरेक्टर आलोक वर्मा को छुट्टी पर भेजने की चिट्ठी तैयार हो गई। आलोक और अस्थाना को मिली जबरन छुट्टी। स्पेशल डायरेक्टर अस्थाना पर भी भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे, इसलिए उनको भी जबरन छुट्टी पर भेज दिया गया। आधी रात को सीबीआई के 2 टॉप ऑफिसर पैदल हो गए, उनकी गाड़ियां, ड्राइवर और दफ्तर सब कुछ चला गया, लेकिन इसके साथ ही सीबीआई की साख भी चली गई। सरकार की नियत पर भी सवाल उठ रहे हैं। शायद सरकार में बैठे लोगों ने सोचा होगा कि इससे कुछ तो बचेगा। इस सिद्धांत में नए अंतरिम डायरेक्टर नागेश्वर राव नियुक्त कर दिए गए। नागेश्वर राव का एक्शन। रात 2 बजे के आसपास नागेश्वर राव दफ्तर पहुंचे। यकीनन सरकार ये एहसास भी कराना चाहती थी कि उसने कुछ किया है, इसलिए एक झटके में राव ने उन सभी अफसरों के तबादलों की चिट्ठियों पर दस्तखत करने शुरू किए जो आलोक वर्मा के साथ अहम मामलों की जांच कर रहे थे। राहुल का बयान, चौकीदार ने डायरेक्टर को हटाया। तो वहीं विपक्ष कह रहा है कि सरकार राकेश अस्थाना को बचा रही है। राहुल गांधी ने कहा कि चौकीदार ने डायरेक्टर को हटा दिया। उनका आरोप यही है कि राकेश अस्थाना गुजरात कैडर के हैं और पीएम मोदी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह इन्हें हर कीमत पर बचाना चाहते हैं, क्योंकि आलोक वर्मा राफेल मामले की जाँच भी करा सकते थे। सुब्रमण्यम स्वामी ने बताया आलोक वर्मा को ईमानदार, लेकिन इस मामले में सबसे चौंकाने वाला बयान दिया बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने। उन्होंने कहा आलोक वर्मा ईमानदार अधिकारी है और सरकार के इस फैसले से भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम को झटका लगने का डर है। लीगल है या इलीगल है वो तो सुप्रीम कोर्ट बता देगी हमें, और स्टेप गलत है, मैं उसका विरोध करता हूँ। ये मत समझिए कि सीबीआई में जारी घमासान खत्म हो गया, लड़ाई अब अदालतों में लड़ी जानी है। सरकार को भी ये मालूम है, शुक्रवार 26 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में आलोक वर्मा की याचिका पर सुनवाई है। वर्मा की दलील है कि सरकार के पास उन्हें हटाने का अधिकार ही नहीं है। इसी तरह राकेश अस्थाना की अर्जी पर दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई होगी, जिसमें वो FIR रद्द कराने की गुहार लगा चुके हैं। तो वहीं इन सब चीजों से सीबीआई की साख तो फिलहाल बहुत नीचे चली गई है।
अब देखना दिलचस्प होगा कि इस मामले में और कौन कौन से नए मोड़ आने बाकी हैं। स्पेशल डेस्क टोटल न्यूज। तो सीबीआई में घमासान जारी है, दो बड़े अधिकारियों की जंग से सीबीआई पर सवाल भी खड़े हो रहे हैं। फिलहाल दोनों को छुट्टी पर भेज दिया गया है। छुट्टी पर भेजे जाने से पहले सीबीआई निदेशक आलोक वर्मा राफेल सौदे से लेकर स्टर्लिंग बायोटेक जैसे हाई प्रोफाइल मामलों की जांच कर रहे थे। इनमें से एक मामला ऐसा है जिससे प्रधानमंत्री की सचिव खुद आरोपी हैं। बीते बुधवार को केंद्र सरकार ने आलोक वर्मा और राकेश अस्थाना को अचानक से छुट्टी पर भेज दिया। केंद्र के फैसले पर सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि सीबीआई के डायरेक्टर आलोक वर्मा राफेल सौदा मामले से लेकर मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया रिश्वत मामला, कोयला खदान आवंटन मामले में कथित रूप से आईएएस अधिकारी भास्कर कुलबे की भूमिका से लेकर स्टर्लिंग बायोटेक मामला जिसमें राकेश अस्थाना की कथित भूमिका की जाँच की जानी थी, ये वो कुछ बेहद महत्वपूर्ण मामले थे जो कि सीबीआई निदेशक आलोक वर्मा द्वारा जांच प्रक्रिया में थे। आलोक वर्मा ने सरकार के इस फैसले को असंवैधानिक बताते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई है जिस पर शुक्रवार को सुनवाई होगी। वर्मा ने अपनी याचिका में ये भी कहा है कि वे कुछ बेहद संवेदनशील मामलों की जाँच प्रक्रिया में थे। कानूनी रूप से सीबीआई निदेशक को उनकी नियुक्ति से लेकर 2 साल तक नहीं हटाया जा सकता। अगर किसी विशेष परिस्थिति में डायरेक्टर को हटाना है तो उसमें चयन समिति की सहमति लेनी होती है जिसने सीबीआई निदेशक की नियुक्ति की सिफारिश की थी। इस चयन समिति में भारत के प्रधानमंत्री, संसद में विपक्ष के नेता और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होते हैं। बहरहाल हम आपको कुछ ऐसे संवेदनशील मामलों के बारे में बता रहे हैं जिस पर आलोक वर्मा या तो जाँच कर रहे थे या फिर जाँच की शुरुआत करने वाले थे। इसमें सबसे मुख्य मामला है कथित राफेल सौदा घोटाला। पूर्व भाजपा नेता यशवंत सिन्हा, अरुण शौरी और वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने इस मामले को लेकर 4 अक्टूबर को सीबीआई में 132 पेज का शिकायत पत्र सौंपा था जिसे आलोक वर्मा ने स्वीकार किया था। इस शिकायत की सत्यापन प्रक्रिया एजेंसी के अंदर चल रही थी। सूत्रों के मुताबिक इस पर जल्द ही फैसला दिया जाना था। सीबीआई मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया रिश्वत मामले में हाई प्रोफाइल लोगों की भूमिका की जांच कर रही थी। इस मामले में हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज आईएम कद्दूसी को गिरफ्तार किया गया था। सूत्रों के मुताबिक कद्दूसी के खिलाफ चार्जशीट तैयार कर ली गई थी और सिर्फ आलोक वर्मा का हस्ताक्षर होना बाकी था। मेडिकल एडमिशन में कथित भ्रष्टाचार मामले को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस एसएन शुक्ला आरोपी थे और एजेंसी ने इस मामले को अपनी जांच में शामिल किया था। सूत्रों के मुताबिक प्राथमिक जांच पूरी हो गई थी और इस पर सिर्फ आलोक वर्मा के हस्ताक्षर ही बाकी रह गए थे। बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम द्वारा वित्त और राजस्व सचिव हसमुख अढ़िया के खिलाफ भी की गई शिकायत सीबीआई के जांच के दायरे में थी। प्रधानमंत्री के सचिव आईएएस अफसर भास्कर कुलबे की कोयला खदानों के आवंटन में कथित भूमिका को लेकर भी सीबीआई जांच कर रही थी। एक अन्य मामले में दिल्ली स्थित एक बिचौलिए के यहाँ अक्टूबर के पहले महीने में छापा मारा गया था। इस दौरान लोगों को किए गए भुगतान की एक कथित सूची और 3 करोड़ रुपए कैश बरामद हुए थे। सीबीआई को ये बताया गया था कि इस व्यक्ति ने पीएसयू में सीनियर पदों पर नियुक्ति के लिए नेता और अधिकारियों को रिश्वत दी थी। सीबीआई नितिन संदेसरा और स्टर्लिंग बायोटेक मामले की जाँच खत्म करने वाली थी। इस मामले में सीबीआई के विशेष निदेशक राकेश अस्थाना की कथित भूमिका को लेकर जांच की गई थी। स्पेशल डेस्क टोटल न्यूज। सीबीआई में मची घमासान और जिस तरीके से पूरे मामले में उठापटक चल रही है उसे संविधान विशेषज्ञ कैसे देखते हैं और कैसे कांग्रेस पार्टी बीजेपी पर हमला कर रही है, देखिए इस रिपोर्ट में। सीबीआई चीफ के सुप्रीम कोर्ट जाने के बाद अब ये सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या सरकार ने गलत कदम उठाए हैं, इसको लेकर संविधान विशेषज्ञ क्या कहते हैं, आइए सुनिए।
कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से फैसला देगा, लेकिन फिर भी विनीत नारायण के जजमेंट को मैंने देखा है, विनीत नारायण के जजमेंट में ये बात थी कि सीबीआई चीफ और ऐसे इंपॉर्टेंट जो ऑर्गेनाइजेशन हैं उनके जो हेड्स हैं उनका एक टेन्योर का एक फिक्स्ड पीरियड होना चाहिए। सुपर एनुएट भी हो रहे हैं तो ऐसा नहीं कि बीच में सुपर एनुएट हो रहे हैं तो कुछ महीनों के लिए बन गए, ये उसका पूरा प्रीटेक्स्ट था और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 2 साल का टेन्योर होना चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में भी है और ये लोकपाल एक्ट जिसके हिसाब से पहले दिल्ली पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट से होता था, अब लोकपाल एक्ट से जो अपॉइंटमेंट होता है उसमें भी यही है। लेकिन एक्स्ट्रॉर्डिनरी सिचुएशन जब डेवलप हो जाती है तो हाईकोर्ट के जजेस से भी जुडिशियल काम वापस ले लिया जाता है, नॉर्मल कोर्स में नहीं, एक्स्ट्रॉर्डिनरी सिचुएशन में। ये एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी सिचुएशन थी जिस एक्स्ट्रॉर्डिनरी सिचुएशन में नंबर 1 ऑफ सीबीआई एंड नंबर 2 ऑफ सीबीआई ने बड़े स्केदिंग एलिगेशंस एक दूसरे पे लगाए थे। उन एलिगेशंस की तह तक पहुंचना और उसकी सच्चाई पूरी बाहर आना बहुत जरूरी है। इंस्टीट्यूशन की ऑटोनॉमी, इंस्टीट्यूशन की साख बचा के रखना में मेरे हिसाब से इसके अलावा कोई और चारा नहीं था, क्योंकि इन दोनों के ही अगर ये हेल्म ऑफ अफेयर्स पे रहते तो इनके अंडर में कोई भी इन्वेस्टिगेशन फ्री फेयर और विदाउट इन्फ्लुएंस नहीं हो सकता था। आपके कहने के अलावा कोई चारा नहीं था जब नंबर 1 ऑफ नंबर 2 ऑफ सीबीआई के इतने स्ट्रांग स्केलिंग एलिगेशन है और इन्वेस्टिगेशन होना सबसे जरूरी है। और सीबीआई में मचे घमासान पर वरिष्ठ कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी है और कहा है कि जिस तरीके से सीबीआई के डायरेक्टर को पद से हटाया गया है और छुट्टी पर भेजा गया है ये नियम कानून के तहत नहीं है। आई एक्ट में उनको निकालने का कोई अधिकार प्राइम मिनिस्टर को नहीं है या उनको ट्रांसफर करने का भी अधिकार सीवीसी को या उनको नहीं है। तो जो कानून के तहत उनको अधिकार नहीं है अगर उसका उपयोग करे वो किसी ढंग से किसी को, अब उनमें तो उनको अधिकार नहीं इसीलिए बोले अब क्या कर सकते, इसको तोड़ मोड़ के चलो इनको लीव पे भेजो और लीव पे वो परमानेंटली भेजे जैसा, क्योंकि उनकी मंशा जो है और उनके जो इंटेंशन है इनको यहाँ से हटाने का ही है। उस इसी कि खुद प्राइम मिनिस्टर और बीजेपी गवर्नमेंट हर इंस्टीट्यूशन में इंटरफेयर कर रही है, ये इसका नतीजा है। और जिस तरीके से कांग्रेस को क्यों लगता है राफेल डील इसके पीछे है, मेमोरेंडम का भी जिक्र किया है जो सीबीआई को सौंपा गया था, जांच होने वाली थी, क्यों कांग्रेस को ऐसा लगता है? आपको भी लगना चाहिए जब बहुत से लोग जब जाए गए हैं और उनको मेमोरेंडम। तो वहीं बीजेपी के वरिष्ठ नेता शाहनवाज हुसैन ने सीबीआई में मचे घमासान पर किस तरीके से सफाई दी है और विपक्ष के हमलों पर किस तरीके से पलटवार किया है ये भी सुनिए। सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, नरेंद्र मोदी जी की सरकार है। सरकार सरकार होती है वो दिन और रात नहीं होता, कांग्रेस होती तो सोई रह जाती, लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने तय किया जीरो टॉलरेंस करप्शन को लेकर। अगर इल्ज़ाम आयद हुआ नंबर 1 नंबर 2 सीबीआई के अधिकारियों के बीच में तो उनको सीवीसी के सुझाव पर छुट्टी पर भेजा और जांच स्थापित की। कोई बड़ा हो या छोटा भ्रष्टाचार के इल्ज़ाम लगेंगे तो इसमें न कोई अपना न पराया न छोटा न बड़ा, निर्णय सरकार करती है, सरकार ने निर्णय किया तो इसकी सब जगह प्रशंसा हो रही है, लेकिन कांग्रेस को इस पर सियासत दिख रही है, वाहरे कांग्रेस। तो जिस तरीके से सीबीआई में घमासान मचा है अब तमाम तरीके के सवाल भी खड़े हो रहे हैं। स्पेशल डेस्क टोटल न्यूज। तो वार पलटवार शुरू हो चुका है क्योंकि सवालों के घेरे में सीबीआई है और सीधा निशाना लग रहा है केंद्र सरकार पर। फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे।